चलिए शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का जिसमें वैल्यूज निकलेगी √3 - 1, √3 + 1, जो कि बराबर है a + b√3 के। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ये जहां पर दिखता है वहां पर हमें रेशनलाइजेशन ही करना है। √3 - 1, √3 + 1 मल्टीप्लाई √3 - 1, √3 - 1। ये आगे सीधा ऐसे ऐसे चलेगा, a + b√3 एज इट इज रहेगा। अब इसको √3 - 1 टेबल बनाने हैं 2 मिनट। और ये आएगा आपका √3² - 1 का स्क्वायर। सेम तरीका √3² - +1 का -2, √3 और 1। डिनोमिनेटर में √3 का 3 - 1, √3² 3, 1 का 1 - 2√3, और 3 - 1 कितना आएगा 2। अभी तक इक्वल में क्या कैरी हो रहा है, a + b√3, a + b√3, और यहां पर भी a + b√3। ये एज इट इज चल रहा है, इसका कोई खास रोल नहीं हुआ अभी तक इस्तेमाल। ये जो आपने पहले पढ़ रखा है वही इस्तेमाल हो रहा है। अब 3 और 1 कितना हो गया 4, -2√3 अपॉन में कितना है 2। अब आपके पास दो न्यूमरेटर में दो पार्ट है, दोनों के नीचे 2 लिख दो। अब आगे ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, यहां कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2, और यहां पे -√3, और ये इक्वल है a + b√3 के। कंपेयर करो, कंपेयर करो, कंपेयर में क्या आएगा, ए के इक्वल 2 और बी इक्वल 2। कंपेयर करो, √3 √3 कट गया या हट गया, तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है -1। ये आंसर आ गया। बोलो कितना मुश्किल है क्वेश्चन है। x = 2 + √3 है अगर, तो x + 1/x का वैल्यू निकालो। x + 1/x का वैल्यू निकालो, और x - 1/x का वैल्यू भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी स्क्वायर वगैरह करके भी कई चीजें पूछी जा सकते हैं, इनका होल स्क्वायर पूछा जा सकता है। x + 1/x का होल स्क्वायर बताओ, ऑब्वियस सी बात है, इसका निकाल कर इसका स्क्वायर कर दो। और ऐसे यहां पर भी x - 1/x का होल स्क्वायर पूछा जा सकता है। तो अब करोगे क्या, आप जब भी रूट वाला केस मिले ना क्वेश्चन को, आप पहले x का वैल्यू तो है ही आपके पास, आप 1/x का वैल्यू निकालो। देखो x का वैल्यू कितना, 2 + √3 है। 1/x का वैल्यू निकालो, उसके लिए क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। 1/x चेयर चाहिए तो बेटा चेयर है बाहर, तो यहां पे आएगा 1/2 + √3। रेसिप्रोकल हो गया। अब रेसिप्रोकल वाला केस जब ऐसा आता है तो क्या करते हो, रेशनलाइज, रेशनलाइज सिंपल है। तो क्या करोगे, जरा 2 - √3, 2 - √3 सिंपल आएगा। यहां पर आ गए 2 - √3, और a + b a - b क्या आएगा आपके पास में, नमस्ते जी, 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। तो 2 - √3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √3 का स्क्वायर 3, तो ये आएगा 2 - √3। वैल्यू किसकी है, ये 1/x की। 1/x की वैल्यू कितनी है, 2 - √3, और x की वैल्यू कितनी है, 2 + √3। पूछा क्या है हमसे, क्या क्या पूछा है हमसे, क्या क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है पहले x + 1/x। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 2 + √2, 2 + √3, और 1/x की वैल्यू कितनी है, 2 - √3। ये निकाली ना, ये दोनों कैंसिल, आंसर कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। दूसरा क्या पूछा है, x - 1/x, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 + √3, और 1/x की 2 - √3, तो 2 + √3 - 2 + √3 आ गया। अब 2 से ये 2 कट गया, √3 और √3 ऐड होगा कितना आ गया 2√3। ये वैल्यू किसकी आ गई, x - 1/x की। अब क्या पूछ रहा है मुझसे कि ये बताओ x + 1/x का स्क्वायर क्या है, तो वैल्यू तो निकाल ली ना, तो आंसर कितना आएगा 16।
और ऐसे पूछा x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू कितनी है इसकी, 2√3 का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना, 2 का स्क्वायर 4√3 का 3, 4 3 जा 12 आंसर हो गया। हाँ, ये लिंक पता होना चाहिए, तो इसका मतलब दो काम और दिए जा सकते हैं आपको, एक्स की वैल्यू, अच्छा एक्स की वैल्यू 3√2 है, और एक और ले लेते हैं ऐसे ही, वाई की वैल्यू, चलो एक्स की रख लेते हैं, एक्स की वैल्यू √11 − √10 लिख लेते हैं। करने यही चीजें हैं, ये चार चीजें निकालनी है आपने इसमें, क्या क्या निकालना है, एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स माइनस वन बाय एक्स, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, बस यही है काम हमारा।